हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल चैनल ड्राइवर ब्लॉग चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो मैं ये जो फोर व्हीलर होता है उसका जो चाबी होता है उसका काम क्या है और कैसे काम करता है, उसका सिस्टम क्या है और इसका लॉक अनलॉक जो चारों गेट हैं वो किस तरीके से चल लॉक क्या होता है, तो मैं अपने इस वीडियो माध्यम से आप लोग को पूरे रूप से बतलाने का अपना प्रयत्न करूँगा। और गाड़ी चलाने से पहले आप लोगों को यह सब सारी चीज़ें कुछ पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, यह स्विफ्ट डिजायर है और मैं इस गाड़ी के जो चाबी इसका है उसके विषय में बात करेंगे। और यह रहा इसका चाबी जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, रिमोट कंट्रोल, इसमें दो बटन दिख रहा होगा आपको, एक अनलॉक एक लॉक का। तो इस टाइम ये अनलॉक है, इसको लॉक करते हैं। लॉक करेंगे तो एक बार साउंड करेगा और लाइट डिपरेगी, ये देखिए लॉक हो गया। और फिर इसको मैं अनलॉक वाला बटन चपते हैं, अगर मैं 30 सेकेंड के अगर अंदर मैं कोई भी गेट नहीं खोलूँगा तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और ये कब काम करता है, ये जो चाबी देख रहे हैं इसमें बैटरी लगता है सेल, जिसको बोलते हैं, करीब 100-200 के रेंज में आता है और बहुत ही पावरफुल रहता है इसका बैटरी। और जो गाड़ी में बैटरी होता है अगर वो बैटरी इसमें नहीं रहेगा तो ये रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो गया क्योंकि 30 सेकेंड हो गया। तो इसको अनलॉक करते हैं, अब इस तरीके से खोलेंगे खुल जाएगा। अब ये नहीं लॉक होगा क्योंकि जो इसका लॉक था उस टाइम तो मैंने लॉक किया तो कोई भी गेट नहीं खुला। तो क्योंकि ये सेंसर का सब काम है, क्योंकि ये फुल सेंसर गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है इसमें। और इसका गेट खोलने के लिए चाबी से, जो इसका चाबी लॉक है ये, इसको खोलने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो जो राइट साइड में जो पावर स्टेयरिंग है अगला वाला जो गेट है उसमें है, और एक जो है डिग्गी इसका है उसमें है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, ये जो पीछे डिग्गी है इसमें है, तो इसमें जो है कि इस तरीके से डालेंगे और इसको फ्रंट की तरफ ऐसे राउंड करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और इसको बंद करने के लिए चाबी निकाल लेते हैं, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद करने के लिए हल्का सा पुश करेंगे, ये बंद हो जाएगा। और जो है कि और गेट है तो ये यहीं से कंट्रोल होता है, यहीं से लॉक अनलॉक चारों गेट होता है, जो कि मैं इस टाइम अनलॉक है तो इसको लॉक करते हैं। ये रियर की तरफ मैं राउंड करूंगा तो ये लॉक हो गया, आप देख सकते हैं। और इसको फ्रंट की तरफ राउंड करूंगा, ये अनलॉक हो गया। तो चाबी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये रहा थोड़ा सा इसका सिस्टम, अब चलते हैं इसके अंदर। और जो गेट का लॉक अनलॉक सिस्टम है, चाइल्ड लॉक है, और जो इसका मिरर है, साइड शीशा है, कहाँ से कंट्रोल होता है और उसका चाबी कहाँ पे लगता है और कितने राउंड घूमता है तो मैं दिखाऊंगा, आपको दिखेगा। तो पहले तो मैं आता हूँ अंदर। और यहाँ पे जो ये पावर स्टीयरिंग है सीट, आप देख रहे हैं यहाँ पे चाबी लगती है और यहाँ पे कुछ लिखा गया है। यहाँ पे लॉक है, SCC है, ऑन है, स्टार्ट है और पुश है। तो इसमें इस तरीके से चाबी डाला जाता है और जैसे ही चाबी डालेंगे अगर कोई गेट खुला रहेगा तो इस तरीके से इसका सेंसर जो है आवाज़ करेगी, जैसा कि इस टाइम फिलहाल कर रहा है। तो SCC पे लाते हैं, ये SCC पे आ गया है। और SCC पे भी गाड़ी अधूरी एक्टिव होती है और इसको ऑन पे करेंगे तो इसका जो है कि क्लस्टर में जो इसका जो सब सिस्टम है सब ऑटोमेटिक सब एक्टिव हो जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं ऑन पे किया ये सारा सब कुछ एक्टिव हो गया और साउंड करना बंद हो गया। तो अब इसके आगे जाएंगे स्टार्ट पे तो गाड़ी जो है कि स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ, ये सेल्फ लेंगे इस तरीके से, ये स्टार्ट हो गई। और इसको ऑफ करने के लिए इसको ऑन से SCC पे लाएंगे, ये ऑफ हो गई। और इसको जब चाबी बाहर निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। तो हल्का सा इसको अंदर की तरफ जो है, इसको अंदर की तरफ हल्का पुश करते हुए इसको लॉक पे लाएंगे, अब इसको आराम से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये रहा थोड़ा सा चाबी का सिस्टम। तो गाड़ी चलाने से पहले ये सब थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी
ज़रूरी है। अगर आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो मैं चाबी फिर लगाता हूँ, लगा के ऑन करता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ ये सब सिस्टम क्या है, इन सबों का काम क्या है, और अपने साइड शीशा का जो है पीछे देखने के लिए उसको कैसे खोलें, और इसको जो ये दरवाजे वाला जो मिरर है जो इसको कैसे डाउन करें। तो सब कुछ कंट्रोल यहीं से होता है, यहाँ से होता है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना चाबी ऑन कर लिया हूँ और मैं साइड शीशा खोलता हूँ। तो साइड शीशा यहाँ से होगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं एक बार पुश करूँगा तो ऑटोमेटिक वो खुलेगा। अब देखिएगा ये ओपन हो गया, और इसको डाउन करना है ये जो शीशा है। तो यहाँ पे आप ऑटो देख रहे हैं, ये चार जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्विच, ये है मेरे राइट साइड का, और ये है लेफ्ट साइड का, और यह है पिछला गेट का है राइट साइड, और यह है लेफ्ट साइड पिछला गेट का। तो इसको मैं इसे नीचे की तरफ पुश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये डाउन होगा, और इसको मैं ऊपर की तरफ उठाऊँगा तो ये बंद होगा। तो इस तरीके से सारा जो चारों गेट का जो शीशा है वो अप डाउन होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक है, जो इसका जो गेट वाला दरवाजे वाला जो है शीशा वो लॉक होता है। अगर मैं इसको पुश कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये तीनों काम करना बंद कर देगा। और इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, तो इस तरीके से होता है। और ये अंदर से लॉक अनलॉक का सिस्टम है, ये अंदर से इस तरीके से रहेगा तो लॉक है, और ऐसे रहेगा तो ऑन है। तो यहाँ पे इसको लॉक अनलॉक करने के लिए, चारों गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है, ये लॉक का हो गया या अनलॉक हो गया। तो यहाँ से आप देखें मैं लॉक करता हूँ तो ये देखिए लॉक होगा, ये लॉक हो गया। अब अनलॉक करेंगे तो चारों गेट अनलॉक हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, आपको होना ज़रूरी है। और म्यूजिक प्लेयर चलाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर बटन है जो कि वॉल्यूम वाला है, यहाँ पर पुश करेंगे ये ऑन हो जाएगा, इसको फिर दोबारा पुश करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। और इसको जो एसी सिस्टम है चलाने के लिए, ये फैन है ब्लोअर, इसको एक नंबर करेंगे ये ऑन हो गया, ये चल रहा है। और ये टेम्परेचर है जो कि अपना कंबेसी करने के लिए है, और ये राउंड है जो कि अपना किस टाइप से अपना हवा को लेना चाहेंगे उससे अपना उस सिस्टम बना लीजिए। और ये रहा इसका गेयर जो कि पाँच गेयर आगे के लिए है, एक है रिवर्स के लिए है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यह रहा इसका हैंड ब्रेक, इस टाइम हैंड ब्रेक लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं मीटर में यहाँ पे शो कर रहा है। इसको डाउन करेंगे ये बुझ जाएगा, इसको मैं लगा देता हूँ। और यह हारन रहा इसका स्टीयरिंग में, यह हारन है, इसको इस तरीके से पुश करेंगे यह हारन जलेगा बजेगा। आइए मैं आपको चाइल्ड लॉक बताता हूँ रियर गेट का। तो इस तरीके से पहले मैं गेट खोलता हूँ, और मैं बता दूँ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अनलॉक लॉक का ये सिंबल दिया हुआ है और लिखा हुआ है, और ये इसका पॉइंट है लॉक करने का, इस टाइम अनलॉक है, इसको लॉक करते हैं, ये नीचे कर देंगे ये लॉक हो गया चाइल्ड लॉक। और इसको मैं बंद करता हूँ, ये बंद हो गया, बाहर से खोलेंगे तो खुलेगा, अंदर से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से अंदर से खोलता हूँ, ये इसके देख रहे हैं गेट नहीं खुल रहा है, अंदर से लॉक हो गया बाहर से खुलेगा। तो इसको मैं जैसे था वैसे करता हूँ, अनलॉक पे करता हूँ, तो अनलॉक पे करके आपको दिखाता हूँ, ये अनलॉक पे हो गया। और मैं इसको अब खोलता हूँ, ये देखिए खुल गया। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि आप लोगों ने विक्टर देखा होगा कि गेट जो है इस तरीके से, आप लोगों ने बहुत सारे गाड़ियों में देखा होगा कि ऐसा रहता है। तो ये इसको अगर आप खोलेंगे अंदर से ढकेलेंगे तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये लॉक है, क्योंकि इसमें डबल लॉकर होता है। तो इससे कहा गया है कि दूसरा लॉक पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हिलेगा लेकिन खुलेगा नहीं। और दूसरा लॉक करने के लिए इसको इस तरीके से झटका देंगे, ये लॉक हो गया। और आप जैसे ही गाड़ी चलाते हैं, जैसे ही स्पीड आपका 20 से ऊपर जाता है, 20 प्लस होता है, तो ऑटोमेटिक सब गेट लॉक हो जाती है, क्योंकि ये फुल सेंसर गाड़ी है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। ये तो कुछ सिस्टम बेसिक जानकारियाँ। और ये जो बीच में देख रहे हैं ये डिस्प्ले लगाया गया है, और ये डिस्प्ले ऐसा है कि आपको मतलब पीछे भी दिखाई देगा अच्छे तरीके से,
और ये डिस्प्ले है, और मैं जब बैग गियर लगाऊंगा तो ये जलेगा, लगे ऑन हो जाएगा। मैंने बैग गियर लगा दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सही दिखा रहा है डायरेक्शन के अनुसार। और जो ही मैं कौन से इसको न्यूटन करूँगा ये सादा हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, और जो इसमें जो यहाँ बीच में शीशा होता है वो इसके पीछे है, आप देख सकते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके से मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।